ये झरना बड़ा मस्त लगता है। जब यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है ना, तब ये और भी खतरनाक हो जाता है। प्रीत की कुंगली डोर से छीने ये पर्वत जनी कठोर बिछीने ये हमारा पहाड़ों की नारी। हम गए थे 1 तारीख को बिनसर महादेव, 2 तारीख को वहां से आए और देघाट घूमते हुए 3 को गए हम ये जूनागढ़ मंदिर। आज जा रहे हम थैलीसैंड मार्केट घूमने के लिए। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के इन खूबसूरत से सुंदर से पहाड़ों से। 4 आदमी जा रहे हैं हम और थोड़े लेट से हो चुके हैं, तो चलते हैं फटाफट यहाँ से पहले। आज बहुत गाड़ियाँ आ रखी है, बैजरो मार्केट में काफी भीड़ है। आइए, हेमा भी आ रखी है। ये जो गांव है ऊपर, इस गांव का नाम है मटेला और उनका यहाँ पे ये महादेव का मंदिर है। पुरानी बैजरो मार्केट ये यहाँ पे, और जो नई बैजरो है जहाँ पे सभी लोग आते हैं, ज़्यादा क्राउड आता है, वो इस साइड में। तो पुरानी बैजरो में लोगों का जाना कम ही होता है, वो ये है पुरानी बैजरो। नदी में भी पानी काफ़ी बड़ा है पर बारिश वगैरह बिल्कुल नहीं हो रही आजकल। अभी क्या है कि हमारा दोनों का प्लान बन चुका है, हम जाएंगे थैलीसैंड मार्केट घूमने के लिए। यहाँ पे भी क्या करना है, हम पहुँचने वाले थैलीसैंड मार्केट। कितने किलोमीटर होगा, 26 किलोमीटर, 25 या 26 किलोमीटर है बैजरो से, और हम घूम रहे हैं इस साइड में। ये है थैलीसैंड मार्केट, काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे व्यू पॉइंट है, और वो है यहाँ पे, देख रहे होंगे आप, ये यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त दिखाई देता है। यहाँ से लोग फोटो वगैरह वहीं से खींचते हैं थैलीसैंड मार्केट की। कितनी बड़ी मार्केट है थैलीसैंड मार्केट, जवाब ही नहीं है इस मार्केट का। तो भाई साहब, बैजरो से बड़ी मार्केट है ये, अच्छा लगा यहाँ पे आके भी, काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे खा रहे हैं हम चाउमीन, भाई साहब सुबह से लग गई भूख, दिखने में तो बढ़िया बना रखी है पर टेस्ट करके भी बताएंगे कैसी बनी है। और हम दोनों ही घूम रहे फिलहाल आज सुबह से। तो ये है क्षेत्र पंचायत भवन, पीछे दिख रहे होंगे आप, और लाइट बिल वगैरह यहाँ जमा होते हैं। भाई साहब ये जगह काफ़ी बढ़िया है, टॉप की जगह ये हमारे साइड के एरियो में से। हम मैं तो इधर काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, पर आज जब आ रहे हैं तो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब वाह क्या मस्त, मतलब इतना डेवलप हो चुका है थैलीसैंड, मुझे पता नहीं था। यहाँ पे एक से एक होटल वगैरह भी खुले हैं ना, शायद उधर रिजॉर्ट वगैरह भी है। तो नीचे चलते हैं, जरा आपको नीचे भी दिखाते हैं। तो हम आ रहे ऊपर साइड से, तो यहाँ पे बहुत सारे दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, ढाबे वगैरह यहाँ पे खुले हैं। तो नीचे चल के दिखाते हैं आपको, एक से एक होटल वगैरह हैं, छोटे मोटे ढाबे टाइप के। डेवलप मार्केट है, बड़ी मार्केट है ये थैलीसैंड मार्केट। तो आगे से जा रहे हैं मनीष भाई और पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। यहाँ चल रही है सीटियाँ, खुशबू आ रही है यार इस गलियों में, ज़्यादा ही कुछ है यहाँ पे, ढाबे टाइप के ज़्यादा है ना। तो ये वो मेन रास्ता है जो यहाँ से नीचे से आ रहा है, मेन रोड नीचे है। तो ये मोड़ सा है इस साइड में, इंटर कॉलेज और कॉलेज इसी साइड में ही आगे चल के हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये मार्केट घूमनी आज पूरी, सुबह से घूम भी रहे हैं। कुछ मकान इस साइड भी है, जो कॉलेज वगैरह है वो सब इसी साइड में ही आगे चल के। और राजकीय आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज थैलीसैंड, यहाँ पे है ये कॉलेज, जो रेगुलर कॉलेज है बीए फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर, वो आ गया है। और अब चलते हैं यहाँ से वापस नीचे की तरफ। हम आ रहे हैं ऊपर साइड से जो मेन मार्केट थी, और अब चलेंगे यहाँ से सीधा बाहर की तरफ, जो मेन पौड़ी के लिए जो रोड जाती है और बैजरो के लिए जो रोड जाती है थैलीसैंड के लिए। दुकानें यहाँ पे छोटी मोटी बहुत सारी है, सब्जियों की भी, आप चाहे ढाबे लगा लो, होटल लगा लो, रेस्टोरेंट लगा लो, अच्छे हैं यहाँ पे। सुबह से हम काफ़ी घूम रहे हैं पर अब बहुत है इतना घूमना, ज़्यादा नहीं घूमेंगे, हमने जाना है काफ़ी दूर, घर हमारा दूर है। ये सब्जी वगैरह की दुकान, ये पूरा पूरा शहरी इलाका बन चुका है ये थैलीसैंड मार्केट। यहाँ पे देखो जगह जगह में नीचे साइड में सब्जियों की दुकान मिलेगी आपको, और यहाँ पे ये शिव मंदिर, और यहाँ पे नर्सरी वगैरह भी ऊपर साइड में पेड़ पौधे मिलते हैं आपको, हर प्रकार के पौधे मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए शिव मंदिर, अभी इसका कार्य चल रहा है। और ये वाली रोड जो है ये जा रही है ऊपर की साइड पौड़ी को,
और हमारे इधर थलीसैंड का जो मेन गेट है वो यहाँ पे, थलीसैंड मार्केट ही इस साइड में ही है। अब आ गए हम थोड़ा नीचे साइड में, तो तहसील जो है यहाँ पे है, और ये देखिए कितनी बड़ी मार्केट है ये ऊपर तक बिल्कुल ही। तो ये है तहसील, यहाँ से देखिए आप ऊपर की साइड में थलीसैंड मार्केट भी आज घूम ली और अब चलते हैं घर। तो हम आए थे तहसील में, और यहाँ पे ना दो नयार मिलती है, ये आ रही है नेंसू से और ये आ रही है थलीसैंड ऊपर साइड से, थलीसैंड मार्केट से, और मार्केट के ऊपर साइड से उधर से पता नहीं कहीं से घूम के आती है ये नदी। और ये है पूर्वी नयार, और ये ऊपर देख रहे होंगे आप ये पावर हाउस के लिए यहाँ से खुदाई चल रही है, तो पानी यहाँ से जाएगा उस साइड से, डैम बनेगा ऊपर साइड में आगे आगे चल के बनेगा कोने में। और ये जो नदी है, ये जो नदी है ना ये काफ़ी गहरी है, और यहाँ पे कहते हैं एक टाइम पे कहते हैं कि जो चारपाई में जो रस्सियाँ होती है ना, दो चारपाई की रस्सियाँ इस वाली नदी के अंदर एक टाइम पे किसी ने नापे थे तो डूब जाती थी। अब ये कहावत है पुराने की, अभी कंफर्म नहीं है आज के टाइम पर हमने ये कहावत सुनी थी यहाँ पे। कितना प्यारा दिखाई देता है ये झरना, यहाँ से ये झरना बड़ा मस्त लगता है। जब यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है ना तब ये और भी खतरनाक हो जाता है बाढ़ आने से। तो चाचा कह रहे हैं इस पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है ना खतरनाक सी, इन पहाड़ियों में शिलाजीत मिलती है। अब ये इन पत्थरों में, अब मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ कि इन पत्थरों में शिलाजीत भी मिलती है, हकीकत 100% आई है, चोरी करने जाते लोग। तो वो गैरकानूनी है क्या शिलाजीत निकालना? तो यहाँ चट्टाने तो बहुत खतरनाक है। हमारे साथ इधर पटवारी जी भी है, वही बताएंगे। सर जी इधर शिलाजीत मिलती है क्या इन पहाड़ों में? शिलाजीत मिलती है, ये चाचा बोल रहे शिलाजीत मिलती है, तो यहाँ मिलती है। पर उसकी नॉलेज होनी चाहिए चाहे हम लोगों को, पर नॉलेज हमें तो नहीं है, हम तो पहली बार सुन भी रहे इस साइड में, नहीं रहते इधर। तो अब चलते हैं जरा यहाँ से फटाफट। पहुंच चुके हम बैजरो मंदिर में, जो यहाँ पे मंदिर है ना इसका निर्माण कार्य चल रहा है। अब ये नए सिरे से बन रही है, थोड़ा सा जो पीछे का हिस्सा है बाकी टीन आगे लग रहा है, टीन वगैरह। तो हम आ गए बैजरो साइड से, मार्केट से थोड़ा आगे आ चुके। आज सुबह से थक गए हम भागा दौड़ी करते करते यार, आज मूड भी थोड़ा ऑफ हो गया है ना मनीष भाई? अब ये पहले बताते वहाँ पे शिलाजीत मिलता है तो हम खुद ही खोदने लग जाते हैं उसको हम सारे काम छोड़ देते हैं, टाइम भी पास हो जाता हमारा। उस साइड में वो झरना भी था, कितना प्यारा दिख रहा था। तो ये सीधा वाला रास्ता जा रहा है ऊपर बेदी खाल के लिए, कोटद्वार के लिए, और ये इस साइड से राइट के लिए चले जाओगे आप रामनगर के लिए, और ये जा रहा है ये लेफ्ट में जिस साइड को हम जा रहे हैं, ये जा रहा है उफरे खाल, चौखाल, उफरे खाल, सरायखेत। ये चले जा रहा है ये सीधा रास्ता जसपुर खाल, उफरे खाल, सरायखेत सीधा, और ये जा रहे हैं जोगी मढ़ी, सरायखेत, ये शॉर्ट है सरायखेत के लिए। अभी पहुंच चुके हम चौंडिले में, और यहाँ पे ना महिलाओं के टूर्नामेंट क्रिकेट मैच चल रहे हैं नीचे साइड में, और ये खेल रहे हैं सुबह से, हम सुबह में जा रहे थे तभी भी देखा, अभी चलते हैं नीचे जाके थोड़ा देखते हैं किस तरीके से इनके टूर्नामेंट चल रहे हैं। और यहाँ पे चल रहे हैं क्रिकेट मैच महिलाओं के, भाई नमस्कार, आ तुम क्रिकेट मैच करवाना चाहे? अरे मैं नहीं करवाना चाहिए। अच्छा तो चौके छक्के कहाँ पे है? नमस्कार भाई जी, चौके छक्के कहाँ है इनके? तो यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहे, थ्रो बॉल करा रहे, टीम वगैरह आई नहीं है तो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं सभी महिलाएं, तो यहाँ पे मैच होने वाला है। नमस्कार भाई जी, और ये भाई जी भी इंस्टाग्राम पे काफी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आती है इनके, काफी फेमस है, और अभिनव रावत करके इनका पेज है, और बहुत ही बढ़िया गाने वगैरह भी गाते हैं, हमने भी सुने थे, मतलब बहुत ही प्यारी सुरीली आवाज में, प्यारी एकदम सुरीली आवाज में गाना गाते हैं। अगर जो आपकी इच्छा हो तो एक गाना गा दीजिए कोई सा भी आपका फेवरेट, आपका फेवरेट जो भी आपको अच्छा लगता होगा।
गाना अभी गोल जरा टीम आ जाता मजा आ। टीम कब आएगी, टीम कब तक आएंगे? अच्छा शाम को होते हैं ये टूर्नामेंट मैच? सुबह शाम, आजकल सुबह शाम दोनों टाइम। ये एक ही गांव वाले खेल रहे हैं, अलग अलग गांव वाले खेल रहे हैं? तीन गांव से नहीं। अच्छा तीन गांव वाले यहां पे, मतलब तीन गांव की महिलाएं हैं फिलहाल, तीन ही टीम आ रही होगी। अच्छा तो अगर जो आपको अच्छा लगता है तो भाई एक फेवरेट सॉन्ग आपका। अरे वाह छक्का मार दिया उन्होंने। गाना तुम ही बता ले, तो बोल नहीं गाना है। अपना फेवरेट बता दो कोई। मेरे के मेरे तो सारे फेवरेट नहीं, के मैं तो सुनता हूं बचपन से। हाँ जो आपको अच्छा लगता होगा, जो आपके भी तो होंगे सबसे फेवरेट, जो आपको लगता होगा एक गाना एक स्पेशल होता ही है ना, जिसको हम बार बार गुनगुनाते रहते हैं। मेरे तो सभी फेवरेट हैं। तो कोई भी गाना सभी फेवरेट है। हमारे भी फेवरेट है, हमें भी अच्छे लगते हैं। प्रीत की कुंगली डोर से छीने ये पर्वत जनी कठोर बिछीने ये हमारा पहाड़ों की नारी बेटी बारी पहाड़ों की बेटी बारी। तो ऐसी सिचुएशन पे यही गाने? हाँ नहीं बहुत बहुत ही बढ़िया गाना, बहुत ही बढ़िया लय में गाया आपने। काम कर रही हो बस। हाँ काफी अच्छा। ये पहाड़ों की सुंदर वादियों में शाम के टाइम सभी क्रिकेट का आनंद लेते हुए। और ये ऊपर वाला गांव का नाम क्या है? लाची। तो यहाँ से जाएंगे अभी थोड़ा घूम घाम के। अच्छा गाना गाया मैं बैजी ने। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला उन्होंने, आउट हो चुके हैं। चौंडले में मिले हैं भैजी, ये हमारे ब्लॉग देखते हैं और काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। और बहुत बढ़िया लगता है आपका ब्लॉग, हम तो देखते रहते हैं और मिलते भी रहते हैं। तो चलते हैं ना, लेट हो गया अभी। ओके थैंक यू भैया, ऐसे ही देखते रहना। हाँ बिल्कुल, तो अच्छा लगा यहाँ पे भी, आप चलते घर की तरफ। हाँ वहाँ दिखा दी। अभी पहुंच चुके हैं हम शाम के टाइम जोगीमढ़ी मार्केट में। तो वहां से आते आते आज पूरा दिन चले गया, पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। थरीसैंड में भी तो छोटा सा काम था और उसमें ही पूरा दिन लग गया। और यहां पे हमारे ज्वेल भेजी यार, आग सेकते हुए सारे काम यही संभाल रहे, गाड़ी चलाने से लेकर खाना बनाने तक। आलू गोभी बना रहे हैं आज। अभी तो उबाल रहे हैं आलू को और गोभी को। आलू गोभी उबल रही है यहाँ पे, ठंड बहुत है, ठंड बढ़ चुकी है और आग भी ताप रहे हैं, बच्चे भी ताप रहे हैं इधर आग। लेट हो गए हम घर आते आते, मतलब पहुंच गए टाइम से ही पहुंच गए, एक तरीके से अंधेरा होने से पहले पहुंच गए हम। और यहाँ पे मनीष भाई की पैकिंग भी कर दी, कल जा रहे हैं दिल्ली यार। इतने दिन से हम साथ में घूम रहे थे और 5-6 दिनों का पता ही नहीं चला यार। मनीष भाई मजा आ गया घूम के। और यहाँ पे ताऊ जी और बोड़ी जी भी आए थे गाँव। बोड़ी कान लाग है? बढ़िया लाग, बहुत अच्छा। 4 दिन के लिए गांव आए थे और मनीष भाई 4 दिन गांव में नहीं टिका, हम कहीं ना कहीं मंदिर में घूम ही रहे तब से। और बोरा जी भी यहाँ इतने दिनों बाद दिखाई दे रहे। तेरी लापता हूँ? मेरा लापता नहीं हुआ बोरा, हम यही हैं गांव में ही हैं अभी। आज पैकिंग हो गई और पैकिंग भी हो गई, आग सेक रहे और कल की तैयारियां भी हो गई सुबह जाने की। बोही मियाँ भी गया यार दिल्ली, मनीष भाई और सुबह सुबह, और बोई मियाँ भी चले गया था आज सुबह, थोड़ा लेट से गया पर सब चले गए। अब दिल्ली अब पड़ गए हम फिर से अकेला। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।